ये मैं लेफ्ट ओवर इडली से बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट। इसके इंग्रेडिएंट हैं गाजर, कैप्सिकम, एक ग्रीन चिल्ली, एक बड़ी ऑनियन और मस्टर्ड सीड और 7-8 इडली जो बची हुई है मेरे पास, टमाटो सॉस, रेड चिल्ली सॉस और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ये मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है फ्राई पैन में। और 1 टेबल 1 टीस्पून बटर। उसको गरम करने के बाद इसमें ये ब्लैक मस्टर्ड डाल दिए। जब वो चटक जाएगी तो उसमें करी पत्ता डाल देंगे। सब्जियों को छोटा छोटा काट लेंगे। इसमें हम हरी मटर भी डाल सकते हैं। हाँ, इसमें मैगी मसाले का एक पाउच भी डलेगा। ज़्यादा मसाले नहीं डलते इसमें। अब ये सरसों चटक गई है पूरी तरह से। अगर ये चटकेगी नहीं तो ये कड़वी लगेगी खाने में, तो उसको पहले पूरी तरह से चटकने दें और इसमें करी पत्ता डाल दें। ये कटी हुई सब्जियाँ डाल दें, छोटी छोटी काटी हैं। पहले प्याज को हल्का पिंक करना है। प्याज डाल दें इसमें। प्याज को हल्का ब्राउन करना है और जो सब्जियाँ हैं कटी हुई उनको भी इसी में साथ में डाल देना। थोड़ी सी ब्राउन होने के बाद, ज़्यादा नहीं पकाना प्याज को। और सब्जियों को भी 1 से 1.5 मिनट ही पकाना है। उसके बाद इडली को छोटे टुकड़ों में काट के इसमें मिक्स कर देंगे। ज़्यादा छोटे टुकड़े में नहीं काटनी इडली, नहीं तो बिल्कुल उपमा जैसी बन जाएगी। और ज़्यादा बड़े भी नहीं काटने। उसके बाद इसमें मैगी मसाला डाल दें। मैगी मसाला डाल के टमाटर सॉस, इसको थोड़ी देर ढक दो 1 मिनट के लिए बस। और उसके बाद फिर ये टमाटो सॉस ये आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम ज़्यादा। ये रेड चिल्ली सॉस, चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है ये विदाउट चिल्ली के ही। इसको मिक्स करना है बस 1 मिनट के लिए। इसको पकाना मिक्स करके। इसमें आप थोड़ा पानी डाल ताकि ये मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाएं। और अगर इडली कह रही हूँ, नारियल की चटनी आपके पास है बची हुई इडली के साथ जो बनाई होगी, उसको डाइल्यूट करके डाल दो, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। और नमक डालने से पहले इसको टेस्ट कर लेना, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। मैगी मसाले में पहले से ही नमक होता है। सब्जियाँ आप इडली जितनी डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम ज़्यादा। और हरी मटर डाल सकते हैं आप इसमें, मशरूम डाल सकते हैं। ये बनके तैयार हो गई है टेस्टी, फटाफट बन जाती है। आप कभी भी फटाफट, ये सारा सामान घर में ही होता है, कभी भी बना सकते हो उसको। इडली आपके पास बची हुई है तो और ये 2 लोगों के लिए बहुत है। 7 से 8 इडली का 2 लोगों के लिए ब्रेकफास्ट हो जाता है। इसमें मैंने 1 पूरी कैप्सिकम और आधी कैरेट डाली है और 1 बड़ी प्याज, 1 हरी मिर्ची।